ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਰੇਡੀਓ 90.8 FM ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 90.8 FM ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 90.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਭੀ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी नए विषय पर विचार विमर्श करते ही रहते हैं, वैसे ही आज भी हम आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और आज का हमारा विषय है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्याचार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारतीय संस्कृति बहुत महान संस्कृति है। विश्व में अगर देखा जाए तो कोई संस्कृति अगर विशालता रखती है, महानता रखती है, तो केवल भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसके आगे संपूर्ण विश्व झुकता है। आप देख सकते हैं कि विश्व का कोई भी जन ऐसा नहीं होगा जो भारत की संस्कृति को देखना, सुनना या पढ़ना ना चाहता हो। भारतीय संस्कृति सबके लिए एक अलग विषय है। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहजीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएं और मूल्य आदि हैं। अब जबकि हरेक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, भारतीय लोग आज भी अपनी परंपरा और मूल्य को बनाए हुए हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोगों के बीच की घनिष्ठता ने एक अनोखा देश भारत देश बनाया है। अपनी खुद की संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करने के द्वारा भारत में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। विश्व की पहली और महान संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को माना जाता है। विविधता में एकता का कथन यहां पर आम है, अर्थात भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हालांकि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 22 अधिकाधिक भाषा और 400 दूसरी भाषाएं रोज बोली जाती हैं। इतिहास के अनुसार हिंदू और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों की जन्मस्थली के रूप में भारत को पहचाना जाता है। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के रह रहे लोग यहाँ सामाजिक रूप से स्वतंत्र हैं। इसी वजह से धर्मों की विविधता में एकता के मजबूत संबंधों का यहाँ अस्तित्व है। अपनी संस्कृति के लिए भारतीय लोग अत्यधिक समर्पित रहते हैं। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अच्छे सभ्याचार को जानते हैं। पर आज की पीढ़ी अपनी सभ्यता को छोड़ रही है, छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता के पीछे लगातार भाग रही है। ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि उसको छोड़कर लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे हैं। पश्चिमी सभ्यता के लोग
भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को जानने के लिए उत्सुक हैं, उसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसको हमें त्यागना होगा। हमें नई ओर जाना चाहिए। हमें नई सभ्यता, दूसरे देशों की सभ्यता को जानना अवश्य चाहिए, परंतु इसके साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा होती है, उनके अपने त्योहार और मेले होते हैं। उन्हीं में जुड़ा है बसंत पंचमी का त्योहार। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता से जुड़ा ये बसंत पंचमी का त्योहार जो हम मनाने जा रहे हैं, एक प्रकृति का साथ देने वाला एक ऐसा त्योहार जिसमें जब प्रकृति अपने आप को पीले रंग में, पीत रंग में रंग लेती है, और उसी का साथ देते हुए हम भारतीय लोग भी पीले वस्त्र पहन उसका साथ अवश्य देते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार जो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इसी दिन सभी लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। इस बारे में हम सब जानते हैं, माना जाता है कि बसंत पंचमी का त्यौहार शुरू होते ही शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और बसंत का आगमन होता है। जब चारों ओर खेत खलिहान अपने आप को पीत रंग में रंग लेते हैं, सुहावना खिला मौसम छा जाता है, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति और भी सुहावनी लगने लगती है। और भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि ये वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से मां सरस्वती का प्राकट्य किया था। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्मा ने जब जगत की रचना की तो मूक भाव था, लोगों में परस्पर संवाद ना था। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से मां सरस्वती का प्राकट्य किया, उन्हें वीणा के माध्यम से लोगों को वाणी प्रदान करने को कहा। इसलिए इस दिन को मां सरस्वती का अवतरण दिवस भी माना जाता है, और भारतीय लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय संस्कृति अपने आप में अलग है। यहाँ के सभी त्योहार, रीति रिवाज सब अलग हैं, और एक आनंद, एक हर्षोल्लास लिए ये संस्कृति सब में अपने आप को एक अलग रूप देती है, और इसको अपनाने वाले भी एकता के प्रतीक, एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी तरह के लोगों को एक करने का की सामर्थ्य रखती है। मेरी आज इस संभाषण से यही अपील है आप सभी को कि अपनी संस्कृति से जुड़िए। इससे टूटना हमारा विकास, हमारे विकास में रुकावट होगा। मेरी सभी से यही अपील है कि जुड़िए तो केवल अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से। ज्ञान अर्जित करिए सभी का, पर जुड़े तो केवल अपने से। अपनी संस्कृति को हम ना छोड़ें, ना त्यागें, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे देश की उन्नति होगी।
अपने देश की विरासत को भुला देना किसी देश की तरक्की नहीं होती, उसकी उन्नति में बाधा होती है। मेरी यही अपील है कि सभी अपनाएं तो केवल अपनी भारतीय संस्कृति को जरूर अपनाएं, कोई उसको ना छोड़े। धन्यवाद। जैसा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, हर त्यौहार सब धर्मों के लोग, जातियों के लोग मिलकर मनाते हैं, ये हमारे देश की एक अनोखी परंपरा भी रही है। लोग विभिन्न भोजन संस्कृति जैसे पोहा, बूंदा, ब्रेड, आमलेट, केले का चिप्स, आलू का पापड़, मुरमुरे, उपमा, डोसा, इडली, चाइनीज आदि का अनुकरण करते हैं। दूसरे धर्मों के लोगों की कुछ अलग भोजन संस्कृति होती है, जैसे सेवइयाँ, बिरयानी, तंदूरी, मट्ठी आदि। त्योहारों में सभी का खान पान भी अलग अलग होता है, पर मिलजुल कर त्यौहार मनाने, मिल बांट कर खाने की परंपरा भारतीय संस्कृति सिखाती है। संस्कृति सब कुछ है। जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका, विचार, प्रथा जिसका हम अनुसरण करते हैं, कला, हस्तशिल्प, धर्म, खाने की आदत, त्यौहार, मेले, संगीत और नृत्य आदि सभी संस्कृति का हिस्सा हैं। अपने धर्म के अनुसार लोग मान्यताओं, रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं। हम अपने त्योहारों को अपने रस्मों के हिसाब से मनाते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान की पूजा और प्रार्थना करते हैं, रस्मों से संबंधित गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, लजीज पकवान खाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और दूसरी ढेर सारी क्रियाकलाप करते हैं। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों सहित हम कुछ राष्ट्रीय उत्सवों को एक साथ मनाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि। बेहद खुशी और उत्साह के साथ देश के विभिन्न भागों में विभिन्न धर्मों के लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं। कुछ अन्य कार्यक्रम जैसे बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरुपूर्व आदि कई धर्मों के लोगों द्वारा एक साथ मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्यों के अनुसार बहुत प्रसिद्ध है। पंजाबी भांगड़ा करते हैं, गुजराती गरबा करते हैं, राजस्थानी घूमड़ करते हैं, आसामी बिहू करते हैं, जबकि महाराष्ट्र के लोग लावणी का आनंद लेते हैं। समृद्ध संस्कृति और विरासत की भूमि है भारत, जहां लोगों में इंसानियत, उदारता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, मजबूत सामाजिक संबंध और दूसरे अच्छे गुण हैं। भारत वो भूमि जहां महात्मा गांधी ने लोगों में अहिंसा की संस्कृति पलवित की है। भारत पुरुष और स्त्री, जाति और धर्म आदि का देश नहीं, बल्कि एकता का देश, जहां सभी जाति और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। अब अगर भारतीय लोग आधुनिक हो रहे हैं, समय के साथ बदलती आधुनिकता का अनुसरण करने लगे हैं, पर फिर भी उन्हें अपनी संस्कृति और उसके मूल्यों से जुड़कर अवश्य रहना चाहिए। भारत की परंपरा संयुक्त परिवार की थी और आज तक रही है, जिसमें दादा, दादी,
चाचा ताऊ चचेरे भाई बहन एक साथ रहते थे, पर आज अगर आधुनिकता के प्रभाव में वो रिश्ते टूटने लगे हैं, भारतीय संस्कृति उन्हें संजो कर रखने की बात कहती है। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी सभ्यता से जुड़िए, अन्य सभ्यता के बारे में जानिए जरूर, पर अपनी सभ्यता का तिरस्कार न कीजिए, उसका मजाक ना बनाइए। हमारी सभ्यता बहुत महान सभ्यता है, इसी से जुड़कर हम आगे उन्नति कर सकते हैं और अपने देश। मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।